फ्रेंड्स, क्लास एट के बच्चों को आज मैं पढ़ाऊंगी संस्कृत। क्लास एट के सभी बच्चे अपनी संस्कृत की बुक निकालें। आज मैं संस्कृत में पढ़ाऊंगी चैप्टर 7 महाभारत है। आइए इस चैप्टर की रीडिंग लगाते हैं। भारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि यावत् प्राचलत। महाभारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि यावत् प्राचलत। महाभारत का युद्ध अठारह दिन तक चला। आदो कौरवपक्ष पितामह भीष्म सेनापति अभवत। प्रारंभ में कौरवपक्ष में भीष्म पितामह सेनापति हुए। 10 दिनानि च युद्धम अकरोत्। उन्होंने 10 दिन तक युद्ध किया तथा एकादश दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। फिर 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। स 5 दिनानि सेनापति आसीत्। वह 15वें दिन उन्हें सेनापति रहे। पंचदशे दिवसे से वीरगति प्राप्तवान। पंद्रह दिन के बाद वह वीरगति को प्राप्त हुए। तदंतर कर्ण दिन द्वय पर्यंत सेनापति अभवत। इसके पश्चात कर्ण 2 दिन तक सेनापति हुए। तस्मिन् वीरगति प्राप्ते अर्धदिनम मातुल्य युद्धम अकरोत्। उसके वीरगति प्राप्त करने के बाद आधे दिन मामाशल्य ने युद्ध किया। शेषे दिवस सार्धे भीष्म दुर्योधन गदा युद्धम अभवत। शेष आधे दिन में भीष्म और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्य कौरवपक्षस्य सेनापति आसीत्। इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे तदा दुर्योधन स्वविजयाय द्रोणाचार्यम अतितराराम प्रार्थितवान। तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से अत्यंत प्रार्थना की। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुन है युद्धे कदाचित सन्निहित न भवेत। यदि अर्जुन युद्ध में किसी तरह लगे होने होंगे तो तुम्हारी जीत निश्चित होगी। तदा नूनम तब जियो भवे तो तुम्हारी जीत निश्चय ही होगी। इति श्रुत्वा दुर्योधन पक्षिष्या संसप्तक नाम का वीरपरा अर्जुन युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरम नीत बंध है। यह सुनकर दुर्योधन पक्ष के संसप्तक नाम को योद्धा ने अर्जुन के युद्ध के लिए बुलाकर अन्य स्थान पर दूर ले गया। अयम अप्सरे इति मत्वा द्रोणाचार्य चक्रव्यूह रचितवान यस्य भेदनम पाण्डवपक्षे कोऽपि अर्जुनादन्य न अजानत। इसी यही अवसर है ऐसा मानकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की जिसका भेदन पांडव पक्ष में अर्जुन के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। महाराजो युधिष्ठिर अत्यंतम उद्दीनो अभवत। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत परेशान हो गया। तदानीम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रम प्रति प्रस्थित है। तब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध क्षेत्र में प्रस्थान किया। यत सह चक्रव्यूह भेदनम विधिम अजानत। क्योंकि वह चक्रव्यूह का भेदन जानता था किंतु चक्रव्यूह द्वारे
स्वपितृ स्वसुपति सिंधु राजे जयद्रथ युधिष्ठिर भीष्म सहदेव नकुलान अवरुद्ध बान। किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर अपनी बुआ के पति सिंधु राज जयद्रथ ने युधिष्ठिर भीष्म सहदेव नकुल को रोक लिया। अभिमन्यु एकांकी चक्रव्यूह मध्य प्रविश्य अति पराक्रमेण युद्ध कृत्वा बहून वीरान हतवान। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह के बीच में घुमाकर पराक्रम से युद्ध करके बहुत से वीरों को मार दिया। अंते द्रोण कृपय कर्ण अश्वत्थामा भृद बल कृत ब्रह्माद्य सप्त योद्धार सम्मिल्य अभिमन्यु निशस्त्रम कृत्वा एकाकिनम तम हत बनते। अंत में द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण अश्वत्थामा भृद बल कृतवर्मा आदि सातों योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को शस्त्रहीन करके उस अकेले को मार दिया। हाधिक अभिमन्यु वीर गति लब्धवा अमरो भक्त हाय धिक्कार है अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त करके अमर हो गया। यदि इस चैप्टर की रीडिंग आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।